हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हज पर जाने वाले 200 हाजियों को इमरजेंसी मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे साउथ एमएलए अलमा प्रभु पाटिल। इस मौके पर एचटीओ के टीम मेंबर जनाब नवाज लिमरा मेडिकल ने साउथ एमएलए अलमा प्रभु पाटिल को फेलिसिटेट किया। इस प्रोग्राम के दौरान मौलाना फजलुर रहमान उमरी साहब ने अपने बयान में हज के सफर को लेकर सब्र और तखवी की बात की और हजियों से मुल्क और मिल्लत के लिए दुआओं की गुजारिश की। एचटीओ के प्रेसिडेंट हबीबुर रहमान और उनकी टीम ने तमाम हाजियों का शुक्र अदा किया। हमारा बेहतरीन तोशा तक्वा है, अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर आपको अल्लाह के फराइज की अंजाम दही पर उभारेगा। अल्लाह का डर आपको बंदों के हुकूक की अदायगी पे उभारेगा। अल्लाह का डर मुसलमान ही नहीं बल्कि गैरों के साथ भी हमदर्दी और मोहब्बत के साथ किस तरह रहना है, किस तरह रवादारी अख्तियार करना है, वो भी तालीम देता है। तो ये चीज असल है जिसको हमें अख्तियार करना है। और तवाफ के दौरान एक दुआ खासतौर से सिखाई गई है रुकने अमानी और हजरे असद के दरमियान। तो दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब अन्नार। तो हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत का भी आना। इस दुआ में वही चीज़ बताई गई कि अल्लाह से दुनिया भी मांगे भलाई के साथ और आखिरत इससे बेहतर है भलाई के साथ अल्लाह के अदा करे, इसका भी अल्लाह से हमें मुतालबा करना है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा आप तमाम से कि आप तमाम बहुत ही मुआज़्ज़ज़ लोग हैं। अल्लाह ने बहुत सारे लोग हज के लिए अप्लीकेशन डाले होंगे, लेकिन उनमें से जो आप लोगों का इंतखाब हुआ है ये अल्लाह के खास एहसास की तरफ से, लिहाजा आप इसको गनीमत जानें और कसरत से दुआएं करें और अपनी दुआओं में खास तौर से अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने दीगर मुसलमान भाइयों के साथ साथ हमारे इस मुल्क के लिए और हमारे इस मुल्क में हमारे साथ जो मुख्तलिफ कौमें रहती हैं उन तमाम के लिए दुआएं करें कि हमारा ये मुल्क अमन का गहवारा बने, इस मुल्क में अमन और शांति लाने वाली हुकूमत आए और इस मुल्क में जो शर पसंद लोग हैं जो हमारे इस मुल्क को और हमारे इस मुल्क के संविधान को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जो इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दूर करें और जो अमन और शांति फैलाने वाले लोग हैं अल्लाह उनको लाए। मेरी आगे में दुआ है अल्लाह ताला आप मेहमानों को भी जज़ाए खैर दें, हिदायत से नवाजें और आप तमाम को भी जज़ाए खैर दें। और दोबारा दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपका जो हज का मकसद है अल्लाह इस मकसद में आप तमाम को कामयाब करें। और साथ ही दुआ है कि जो ऑर्गेनाइज किया गया है इसको की जानिब से अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दें कि उन्होंने एक नेक मकसद के तहत आप तमाम को यहाँ पर जमा किया। और हमारे नवाज भाई और उनकी जो टीम है हबीबुर रहमान भाई, अल्लाह ताला इन तमाम को इनकी उम्र में इनके ज़िंदगी में अगर बरकत अता फरमाए, हासिल इनके हसर से महफूज फरमाए और इनके नेक कोशिशों में अल्लाह इनको कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। Yes, sir. Enjoy and produce. Mike. Excuse me, sir. हज यात्रा में उनको 40 दिन घर छोड़ के पूरा फैमिली छोड़ के भगवान के उसने जाते जाते टाइम पे हमारा भारत देश का हवामान, देश का हवामान बहुत खराब है। फिर जाना हम ये दिन में ज़्यादा बीमारी खाना पड़ता है, पीछे ज़्यादा धूप रहते हैं हमारे और ठंडा भी रहता है। ऐसा तीन हम इसमें अलग अलग इसमें हम और बड़ी सर्ट हो गए, ये सर्ट हो गए तो बड़ी ठंडे लोगों को बाहर गए वहाँ का हवामान के वास्ते नियर होता है,
अच्छे उसे इबान करके 40 दिन रखना पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे अभी रहमान साहब ने अच्छा ये काम करे, उसको आप सब मुझे तमाम उम्र का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको अभिनंदन अक्सर अक्सर के पहले हमारे इलियास हमारे शाहीपुर इसमें पाकिस्तान की टीम ये आप लोग की खिदमत में पाकिस्तान ज़्यादा काम करने वाली हो गई उनको हमारे गुमर के लोगों आप लोगों के आजाद करते हैं। धन्यवाद दिवेश आपको सुनिए और हमेशा सुन हाँ ऐसे सोशल वर्क आप कर रहे हैं, आप सब लोग मिलते लोगों को बुला के टिप दे रहे उसका सहायता उनको मदद आगे आराम से जाके आराम से आ गए आप दुआ आप खिदमत दे के आज याद रखें और दुआ लेने के लिए सर बड़ी खिदमत इसलिए मेरे को बुला के मेरे हाथ से बांटने लगा कि सब आए आप सब लोग आगे आने वाले दिन में अल्लाह आपको हमारा भी इम्पोर्टेंस में आप सब लोग मतदान दिए एम एल ए बना के आप अच्छा करता है जो जो काम मेरे ऊपर भरोसा रखे पहली बार 21,000 लेट से जुदा के लिए आए आप जैसे लीडर की जरूरत ही सबको देखो शहर फैलाने वालों की मोहब्बत रखने वाले जरूरत इसीलिए कोई पकड़ आपको नहीं करे सर ना मेरे को भी काम करने का शक्ति अदा देने में आपकी तरफ से हम सब मिलकर अच्छा काम करें चाहिए लोगों की मदद के लिए पान साल में हमारा आदमी अच्छा काम करे बोलिए आपको भी इज्जत आना मतलब आपको डाले पूरा 100% वोट मेरिट को डाले सब लोग आपको नाम मालूम है ये लोग इनको डाले बोले आपको भी इज्जत करना क्या कहें सर ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಲ್ಲದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಸಲ ಎರಡು ಕರೋನಾದಿಂದ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಈ ಸಲ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಬೇಕು